हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 22 मार्च से 26 मार्च यानी 22, 23, 24, 25 और 26 पांच दिनों के टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। इस हफ्ते के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पिछले दो महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लगभग 42,000 लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे अपडेट, न्यूज़ आर्टिकल और पॉलिटिकल न्यूज़ मैं फेसबुक पेज पर शेयर करता हूँ। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं क्लैट, होटल मैनेजमेंट और बीबीए के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अब एग्जाम में सिर्फ 35 दिन बचे हैं। एसएससी सीजीएल, रेलवेज, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन पहले 11 मार्च को आना था लेकिन अब डिले हो गया है। अगर कोई भी पेन ड्राइव कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा, 9580048004। एक नंबर आपको और बता देता हूं, 7291059476, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ये नंबर बिजी जा रहा हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल है, अभी अभी हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का काम था कि वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी CCH और CCIM की जो कार्यवाही है उसको देखे और उनके जो कानून बनाने के लिए उनके जो प्रोसीजर हैं उनको भी देखे, उनके लिए क्या नए कानून बनाने चाहिए। इस विषय पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? इस कमेटी के चेयरमैन थे ये व्यक्ति, इनका नाम है अरविंद पंगरिया, और अरविंद पंगरिया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी हैं। नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है तो उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं चेयरमैन। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है और नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है अमिताभ कांत। एक बात और याद रखिए, होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के अधीन आता है, यानी आयुर्वेद, यूनानी, योगा, होम्योपैथी और सिद्धा, इनको मिला के बोलते हैं आयुष। और श्रीपद येसो नायक वो हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आयुष के लिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष, श्रीपद येसो नायक। इनमें से कौन सा रशिया का बैंक है जिसने ये अनाउंस करा है कि वो भारत में अपनी उसकी एक ही शाखा है और वो भी नई दिल्ली में इसने खोली थी 2008 में, पर अब उसको बंद कर देगा। हालांकि इस बैंक ने यह कहा कि यह भारत में अपना काम करता रहेगा लेकिन कोई भी ब्रांच नहीं होगी। इस बैंक का हेडक्वार्टर मॉस्को में है जो रशिया की राजधानी है और 1990 में यह बैंक बना था, खुला था पहली बार। इस बैंक का नाम है VTB बैंक और इस बैंक ने अनाउंस किया है कि रशिया में इनकी जो एकमात्र शाखा है नई दिल्ली में जो 2008 में खुली थी ये उसको बंद कर देगा। यह है उसका लोगो, रशियन में यह लिखा है VTB। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया था सूर्यपुत्र, यानी कि वो देश जिनमें सूरज की रोशनी काफी ज्यादा है वो सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और दो देशों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, स्पीयरहेड किया था कैंपेन को, एक था इंडिया और दूसरा था फ्रांस। तो जब नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलैंड आपस में मिले थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा और इसका नया फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया है मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी को। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल कितने कंट्री हैं अभी तक? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस वीडियो के दौरान मैं आपसे लगभग 7 से 8 सवाल पूछूंगा, उनके आपको कमेंट्स में जवाब लिखकर बताने हैं। अभी अभी एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है ऊटी के अंदर, तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है, एक पर्वतों का की श्रेणी है, बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है ऊटी। वहां पर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे, जो कॉस्मिक रे होती हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के होते हैं, वेवलेंथ इनकी कम होती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको देखने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिससे हम जो सोलर स्टॉर्म्स हैं उनको बेटर डिटेक्ट कर पाएंगे, जल्दी से उनको फॉरकास्ट कर पाएंगे। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, वैसे तो काफ़ी बड़ा नाम है इसका, इसको बोलते हैं गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज फेज 3, लेकिन शॉर्ट में ग्रेप्स तृतीय। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, ऊटी का एक नाम और है जो यू से शुरू होता है और एम पर खत्म होता है, क्या आप बता सकते हैं ऊटी को क्या बोलते हैं? 2017 का विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया गया। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था पानी को क्यों वेस्ट करना है, वाई वेस्ट वाटर। और वर्ल्ड वाटर डे पहली बार 1993 में मनाया गया था क्योंकि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एजेंडा 21 अपनाया था। पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था 1993 में। इनमें से कौन सा भारत का
आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहला भारत का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बना है जिसमें एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाई गई है। यह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में इसका निर्माण किया गया है और यह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यह फैसिलिटी होगा। दुनिया के सबसे बूढ़े बिलियनेयर, एक बिलियनेयर उसको कहते हैं जिसके पास 6700 करोड़ रुपए की संपत्ति हो, 6700 करोड़, $1 बिलियन यानी कि $100 करोड़, और एक डॉलर की कीमत आजकल चल रही है 67 रुपए, 67 रुपीज, तो लगभग जिसके पास 6700 करोड़ रुपया हो वो है बिलियनेयर। और ये जो है इनका नाम है डेविड रॉकफेलर। डेविड रॉकफेलर 101 वर्ष के थे, दुनिया के सबसे बूढ़े ये बिलियनेयर थे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है जो 2002 में पब्लिश हुई थी? इनकी आत्मकथा का नाम है मेमोआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को लोन दे रहा है $350 मिलियन का, यानी लगभग आप कह सकते हैं 2500 करोड़ रुपए का लोन है ये। और ये भारत को 1500 किलोमीटर की सड़कें भारत इससे बनाएगा, कौन से राज्य के अंदर, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोन भारत के किस राज्य को दे रहा है? ये राज्य है मध्य प्रदेश, यहां पर सड़कें बनाई जाएंगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान डोमिनेटेड बैंक है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और मनीला कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते। बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल हैं रोड्रिगो दुतर्ते। इनमें से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है? इससे पहले एयर एशिया कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे ये, और इनका नाम है अंकुर खन्ना। याद रखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूरी दुनिया में मैचेस कराता है, और आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जहीर अब्बास, जो पाकिस्तान के मशहूर बैट्समैन थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे। और जहीर अब्बास जो थे, इनको एशिया का डोनाल्ड ब्रैडमैन कहा जाता था। और आईसीसी के जो सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं डेविड रिचर्डसन। तो जो ऑप्शन ए है डेविड रिचर्डसन, ये आईसीसी के सीईओ हैं, लेकिन सवाल में पूछा है सीएफओ, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, उन्होंने अभी अभी अपना इस्तीफा दे दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन रिपोर्ट 2016, HDR बोलते हैं शॉर्ट में इसे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बोलते हैं HDI। ये दिखाता है वास्तव में कौन सा देश कितना प्रगति कर रहा है। और आपको ये बताना है कि 188 देशों के अंदर इसमें भारत का क्या स्थान है। और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ खुद इसे निकालता है। 188 देशों में हमारा स्थान है बहुत ही पीछे, 131। और हमारे जो पड़ोसी हमसे बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका जैसे 73 है। अब इसमें फर्स्ट कंट्री कौन सा है आपको याद रखना है? फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे। तो जब भी कोई इंडेक्स होता है तो बस उसमें दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, फर्स्ट कौन आया और भारत का रैंक क्या आया। फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा है स्विट्जरलैंड। यानी इन कंट्रीज में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमने एक स्पेशल अलग वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस उसमें प्रोवाइड किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सरकार ने जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता है उसको, उसके उत्पादन की क्षमता, यानी हम जो न्यूक्लियर पावर है 2024 तक कितने गुना बनाएंगे जितना अभी बना रहे हैं उससे। तो अभी जो बना रहे हैं, जैसे 2014 की रिपोर्ट आपको बताता हूं, उसके हिसाब से हमने लगभग 4780 मेगावाट क्षमता नाभिकीय ऊर्जा बनाई, न्यूक्लियर पावर बनाई। और इसकी जो जनरेशन अब हो जाएगी वो हो जाएगी 15000 मेगावाट, यानी 3 गुना। तो आंसर है 3 टाइम्स। सरकार ने अनाउंस करा है कि वो 5773 करोड़ रुपए की मदद से 1.17 लाख यानी 1,17,000 घर बनाएगा। और दो स्कीम चला रखी है जिसके तहत ये बनाएगा। एक तो है BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, और दूसरी है AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इन दोनों के तहत बनाएगा। कितने राज्यों में बनेंगे ये घर? ये घर बनेंगे मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, केरला और कर्नाटक में। तो टोटल राज्य हैं 6। और एक बात याद रखिए, केंद्र सरकार ने एक स्कीम चला रखी है जिसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, यानी हाउसिंग फॉर ऑल, HFA। इसमें 5 करोड़ घर बनेंगे, 3 करोड़ बनेंगे गांवों में और 2 करोड़ घर बनेंगे शहरों में। टोटल बनेंगे 5 करोड़, और इसकी डेडलाइन है 2022। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि तमिलनाडु के थेनी जिले के अंदर जो एक ऑब्जर्वेटरी प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट बनना था वो अब नहीं बनेगा। और वो क्यों नहीं बनेगा? वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मधी केतन शोला। ये नाम याद रखिए, जो भी नेशनल पार्क न्यूज में आ जाते हैं वो जरूर एग्जाम में आते हैं। मधी केतन शोला नेशनल पार्क के बहुत ही नजदीक है ये, इसलिए जानवरों को नुकसान हो सकता है, अभ्यारण्य को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए नहीं बनेगा। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रद्द कर दिया है इस ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को बनने का जो प्रोसीजर है। तो किस चीज का ये प्रोजेक्ट था? ये था न्यूट्रिनो का प्रोजेक्ट। न्यूट्रिनो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो
रेडियोधर्मी किरणें छोड़ते हैं, इससे जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। और ट्राइब्यूनल क्या होता है? ट्राइब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट होता है जो किसी विशेष मुद्दों पर फैसला सुनाता है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर फैसला सुनाता है, और अगर ट्राइब्यूनल के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज और याद रखनी है जो पूछ सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है इस वक्त इसके चेयरमैन है जस्टिस स्वतंत्र कुमार है चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के 2012 से। इनमें से कौन सी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है जिसने अपनी पेमेंट सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी है? आजकल सारी कंपनी अपनी पेमेंट सर्विसेज लॉन्च कर रही है क्योंकि डिजिटल का जमाना है, और लेटेस्ट इसमें जो कंट्री है वो है सैमसंग। सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल, और मुद्रा है वॉन, WON। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री है, दुनिया से बात नहीं करता है, हर्मिट किंगडम बोलते हैं इसे। नॉर्थ कोरिया का एक ही दोस्त है पूरी दुनिया में, वो है चाइना, और चाइना से भी अब इसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा है वो भी है वन, WON। और एक बात याद रखनी है, जो सैमसंग कंपनी के चेयरमैन है उनका नाम है ली कुन ही, जेल में है आजकल ये ली कुन ही, क्योंकि जो साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट थी पार्क गुन हाए, उनके साथ मिलके ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। पार्क गुन हाए के साथ मिलके ली कुन ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए आजकल ये जेल की हवा खा रहे हैं। और ये जो सैमसंग ने जो मोबाइल फोन में जो पेमेंट सर्विस लॉन्च करी है इसका नाम रखा है सैमसंग पे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर 2016 का पुरस्कार मिला है? क्योंकि कर्नाटक के अंदर श्रावती नदी पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसको इसने आधुनिकरण किया उसका, और 1035 मेगावाट की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट है श्रावती। याद रखिए, श्रावती वही नदी है जो भारत का सबसे ऊंचा जोग फॉल बनाती है। जोग फॉल भारत का सबसे ऊंचे जो 2-3 फॉल है उनमें से एक है, और कुछ बुक्स तो जोग फॉल को सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी कहती हैं। तो वो बनाती है श्रावती नदी, और श्रावती नदी के ऊपर ही है हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक के अंदर। और इसका आधुनिकरण किया इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का किस कंपनी ने, जिसके लिए उसे मिला स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड? इस कंपनी का नाम है ABB इंडिया। रोनी मोरान ये कौन से फुटबॉल क्लब के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, फुटबॉल खेलते थे, और इनका उपनाम था बुगसी। इसे खिलाड़ी प्यार से बुगसी बुलाते थे। ये थे लिवरपूल क्लब के। लिवरपूल क्लब का जो ग्राउंड है वो है एनफील्ड, ANFIELD, एनफील्ड। और लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम का क्लब है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलता है। इनमें से असम का वो कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर सरकार पूरे कोशिश कर रही है कि उसे 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाए, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ये सस्टेन कर पाएगा, उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसका नाम है माजुली। माजुली याद रखिए, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नदियों का टापू है। टापू दो तरह के हो सकते हैं, या तो समुद्र के बीच में हो सकता है टापू, या नदी के बीच में हो सकता है। तो एक होता है रिवर आइलैंड और एक होता है ओशियन आइलैंड या सी आइलैंड। तो रिवर आइलैंड ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है माजुली, और इसे जिले का दर्जा दे दिया गया था इसी साल, यानी 2016 पिछले साल। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी की पिछले साल सरकार बनी थी यहाँ पे, और जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। इनमें से भारत की कौन सी खिलाड़ी है जिसे गैटोरेड नाम का ये शीतल पेय पदार्थ आता है, और गैटोरेड पेप्सी का प्रोडक्ट है। पेप्सी की सीईओ कौन है? इंदिरा नूई। याद रखिए, पेप्सी को कंपनी की सीईओ है इंदिरा नूई। अभी ये अमेरिका की इन्हें सिटीजनशिप मिल गई, अमेरिका के अंदर रहती हैं ये। तो गैटोरेड कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे बनाया है? इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन के अंदर, इनका नाम है पीवी सिंधु। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, पीवी सिंधु के कोच कौन है, कौन ट्रेनिंग देते हैं पीवी सिंधु को? ये भी एक बहुत महान भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं अपने समय में, क्या नाम है इनका? इनमें से कौन सा देश है जिसने अपने आप खुद ही बना ली है एक सबमरीन अपने कुआश्यूंग शहर के अंदर? कुआश्यूंग शहर में इस देश ने अभी अभी अपनी खुद ही अपने देश के अंदर एक सबमरीन बनाई है, और ये देश है ताइवान। ताइवान के अंदर है ये शहर कुआश्यूंग सिटी। ताइवान की राजधानी है ताइपी। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है, इस सवाल को ध्यान से सुनिए, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जो एक डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ये अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिससे जो टाइम है वो एकदम प्रेसाइज आए, एकदम एक्यूरेट आए, उसमें कोई गलतियां ना हो? तो ये स्पेस एटॉमिक क्लॉक भेज रहा है नासा। और नासा कौन सी कंट्री की एजेंसी है? अमेरिका की। नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसरो है भारत की, इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। और दो और पूछते हैं एग्जाम में, एक तो पूछते हैं जाक्सा है जापान की,
इसको बोलते हैं जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और चौथी एग्जाम में पूछते हैं रॉस कॉस्मोस। मैं लिख देता हूँ नाम, ROS रॉस कॉस्मोस, ये रशिया की है। तो ये दुनिया की चार सबसे उत्तम स्पेस एजेंसी हैं। अभी अभी ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की मीटिंग हुई जिसे ऑर्गेनाइज करा बिरैक ने, और बिरैक बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल को, और इसने ये मीटिंग आयोजित की। तो ये बताना है आपको कहाँ पे हुई, ये हुई राजधानी नई दिल्ली के अंदर। और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक के लिए और साथ साथ अर्थ साइंस के लिए, वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है कि एक MOU साइन करेगी वो, यानी कि भारत का जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जिसे बोलते हैं SRTIN, ये अमेरिका के एक डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन करेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिससे कंप्यूटर में जो हैकिंग वगैरह या दूसरे अटैक होते हैं उन पर काबू पाया जा सके। तो अमेरिका का कौन सा डिपार्टमेंट है जो SRTIN के साथ एक MOU साइन कर रहा है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। और हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, वो है रविशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर केरल में है, जिसने अभी अभी UPI पे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को शुरू कर दिया है? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, याद रखिए UPI बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। टोटल 29 बैंक UPI से जुड़ चुके हैं अब तक। आप UPI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में और आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसके अलावा भीम ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। भीम ऐप तो iOS यानी मैक पर भी उपलब्ध है। तो इस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक यानी SIB। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसुर के अंदर, केरल में थ्रिसुर। और साउथ इंडियन बैंक के जो CEO हैं वो हैं VG मैथ्यू। तो नाम याद रखिए VG मैथ्यू। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तीनों इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो इनका ये 86वां शहीद दिवस था, मार्टर्स डे मनाया गया। और आपको बताना है किस दिन इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु को। तो तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, और इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाया गया था, जिसमें जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने मारा था, लेकिन मारना था जेम्स स्कॉट को। तो अगर आप इतिहास जानते हैं तो आप जानते हैं कि जेम्स स्कॉट को कहा गया था कि जिन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था, तो मारना तो चाहते थे जेम्स स्कॉट को पर मार दिया सॉन्डर्स को, और इसीलिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी 23 मार्च। इनमें से भारत के कौन से शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी अभी मेंस डबल स्ट्रैप में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये कॉम्पिटिशन था, शॉटगन वर्ल्ड कप मैक्सिको के अंदर हुआ था। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और इनका नाम है अंकुर मित्तल। अंकुर मित्तल ने जीता है स्वर्ण पदक मैक्सिको के शॉटगन वर्ल्ड कप के अंदर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने अभी अभी अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट। भारत 6721 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 403 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा। तो कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में बनेगा? भारत में याद रखिए 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिन्हें 7 बहने या 7 सिस्टर भी कहा जाता है, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। तो ये हैं 7 हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। तो इनमें जो ये रोड बनेगा 6721 करोड़ रुपए की लागत से, ये बनेगा मेघालय और मिजोरम के अंदर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, शिलोंग से थोड़ी ही दूर सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है चेरापुंजी, उसके पास सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसिनराम में। और मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। एक बात और याद रखिए, भारत में जो हाईवे है वो बनाता है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो डिफिकल्ट जगह हाईवे बनाने होते हैं, जैसे बॉर्डर के ऊपर या जैसे माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, वो बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं ब्रो। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर है। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट यानी जो नागरिक परिवहन के जो मंत्री हैं इस वक्त, वो हैं नितिन गडकरी। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2017 में? अभी अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट रिलीज करी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जनेवा में है जो स्विट्जरलैंड का एक मुख्य शहर है, और 127 कंट्रीज के अंदर भारत का इसमें स्थान है बहुत ही पुअर 87 स्थान है भारत का। और भारत के जो पड़ोसी हैं भारत से बहुत कुछ पीछे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना भारत से पीछे है, 95 नंबर पे आता है, जापान 45 नंबर पे है इत्यादि। लेकिन इसमें जो फर्स्ट है कंट्री वो है स्विट्जरलैंड, नंबर 1 स्विट्जरलैंड है और नंबर 2 है नॉर्वे। स्विट्जरलैंड की राजधानी आप जानते ही हैं बर्न, BERNE। बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं स्विट्जरलैंड में क्योंकि बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे जूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है, लॉजैन शहर है स्विट्जरलैंड में, और बर्न है, बाजल है, जनेवा में तो बहुत ही सारे हेडक्वार्टर हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो,
नॉर्वे के एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनको बोलते हैं मैग्नस कार्लसन, शतरंज के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन है 3 times मैग्नस कार्लसन। तो ये सब तथ्य याद रखिए। अभी अभी 2017 का एबल प्राइज मिला, याद रखिए कुछ लोग कहते हैं कि एबल प्राइज नोबल प्राइज की टक्कर का है, इसे मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है और मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज भी इसे कहा जाता है। तो एबल प्राइज किसे मिला है, नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने ये अवार्ड दिया और 6 million crown भी इन्हें दिया। नॉर्वे के अंदर जो मुद्रा चलती है वो यूरो नहीं चलती, वो चलती है क्रोन। तो 6 million crown की धनराशि भी इन्हें दी गई। इनका नाम है ईव्स मायर। अभी अभी एक पक्षी है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था आज से 100 साल पहले, पिछले 100 साल से ये लुप्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी अभी किसी ने अपने कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है दोबारा 100 साल के बाद। तो कौन सा पक्षी है, किस पक्षी की बात हो रही है? ये पक्षी है रात में उड़ने वाला तोता, नाइट पैरट। नाइट पैरट को देखा गया लगभग 100 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनमें से कौन सा रेजिमेंट है जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था भारत में फतेहगढ़ लेवी के नाम से और उन्होंने अभी अपने 200 साल पूरे किए? इसमें जनरली जो नेपाली समुदाय के जो लोग थे भारत में, वो नेपाली ओरिजिन के, वो रिक्रूट किए जाते थे। क्षत्रिय और ठाकुरी क्लैन के जो लोग थे नेपाल में, वो इसमें रिक्रूट किए जाते थे। और इसका नाम है 9 गोरखा राइफल। इसमें 5 battalion है, 9 गोरखा राइफल। और इसका जो रेजिमेंटल सेंटर है वो है वाराणसी के अंदर। सरकार ने अभी अभी इनमें से कौन से देश के साथ जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसमें संशोधन किया है और तीसरा अमेंडमेंट किया है, तीसरा संशोधन किया है, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। कौन से देश के साथ किया है? ये देश है सिंगापुर। और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, उनका नाम है ली सियन लुंग। और सिंगापुर के साथ हमने ये किया है। सिंगापुर के बारे में और कोई तथ्य नहीं है जो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल से और भी कोई चीज़ है जो लागू हो रही है भारत में, और वो है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये भी गार भी भारत में 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की का जो धन है वो अप्रूव कर दिया, जिसे बोलते हैं FFS, यानी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के लिए। आपको बताना है टोटल अमाउंट, लेकिन इसमें कितना है जो अलॉट किया गया है। और इसको सिडबी ऑपरेट करता है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। ये वही बैंक है भारत में जो मुद्रा बैंक भी चलाता है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भी इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। टोटल धनराशि है इसकी 10,000 करोड़ रुपए। हमारे कौन से मशहूर पत्रकार हैं भारत के जिन्हें कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड मिला है अपनी पत्रकारिता में योगदान के लिए, सहयोग के लिए? और ये इनको अवार्ड दिया गांधी पीस फाउंडेशन ने। कुलदीप नायर जो महान जर्नलिस्ट थे उनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है। ये मिला है NDTV के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार जी को, रवीश कुमार। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2017 इस बार 23 मार्च को मनाया गया। इस बार इसका थीम क्या था? और याद रखिए 5 नए तरह के बादल हैं जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो मौसम संबंधी जानकारी देती है, और 5 नए तरह के बादल हैं जो खोजे गए हैं जिनको ऐड किया गया है। इस बार इसका थीम था अंडरस्टैंडिंग क्लाउड, यानी आइए क्लाउड्स को समझते हैं, बादलों को समझते हैं। तो ये याद रखिए कि 5 नए तरह के बादल हैं, एस्पेरिटास, वोलुटस, केवम, फ्लंक्टस और होमोजेनिटियोस। ये हैं 5 तरह के बादल जो ऐड किए गए हैं। सरकार ने अभी अभी 1100 करोड़ रुपए का धन कौन से बैंक के अंदर डाला है जिससे इस बैंक में नई जान डाली जा सके? इस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा बैंक है ये? इंडियन ओवरसीज बैंक। उसमें 1100 करोड़ रुपए की धनराशि डाली गई है। भारत के जो दिव्यांग एथलीट हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिन्हें पैरा एथलीट्स बोलते हैं, इन्होंने कितने मेडल जीते? जो फाजा इंटरनेशनल IPC इंटरनेशनल एथलेटिक ग्रांड प्री हुई दुबई के अंदर, दुबई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जिसकी राजधानी है अबू धाबी, तो इसमें भारतीयों ने टोटल जीते 13 मेडल, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल थे। एयरटेल ने, भारतीय एयरटेल जो कंपनी है, याद रखिए भारतीय एयरटेल के जो CEO हैं वो हैं गोपाल विट्टल, ये हैं एयरटेल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एयरटेल कंपनी ने इनमें से कौन सी 4G बिजनेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी, उसका 4G बिजनेस खरीद लिया है 16 बिलियन में। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ रुपए, तो 16 बिलियन हो गया 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीद लिया है, इसका 4G बिजनेस खरीद लिया है। ये कंपनी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एयरटेल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कंपनी है तिकोना। इनमें से कौन से मशहूर सिंगर हैं जिन्हें सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम 2017 हॉल डेविड स्टारलाइट अवार्ड मिला है? और इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हुई कि जो JZ हैं, JZ को मिला है हॉल ऑफ फेम में, इनका नाम आया है। और ये पहले रैपर बने हैं, रैप करते हैं ये, इनका नाम आया है हॉल ऑफ फेम के अंदर।
और पॉपुलर सिंगर जिनको ये अवार्ड मिला वो हैं एड शीरान। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, जे जेड की जो पत्नी है बहुत ही मशहूर है, आपको वो भी एक सेलिब्रिटी है, आपको उनका नाम बताना है, कमेंट्स के अंदर लिखना है, उनका एक अपना खुद का धारावाहिक भी आता है और जे जेड की वो पत्नी है, आपको बताना है उनका नाम क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असम की सरकार के साथ मिलकर एमओयू साइन किया है लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असम की सरकार को किस किस चीज के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर या हाउसिंग? तो ये जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है शिक्षा और हाउसिंग के क्षेत्र में, यानी 1 and 4 इज द आंसर। असम के मुख्यमंत्री आपसे पूछ सकते हैं, ये फोटो तो हेमंत विश्वास की है, ये नहीं है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। हमारा जो सांस्कृतिक मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, उसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक 9 दिवसीय, 5वां अध्याय होगा ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, बहुत सारे ये स्टेट्स हैं जहाँ पे मनाया जाएगा, तो कौन से स्टेट्स हैं ये भारत के जहाँ पे मनाया जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, मनाया जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो कि 7 है। विश्व बैंक भारत को $100 मिलियन का लोन दे रहा है, कौन से राज्य में हेल्थ केयर सर्विस इंप्रूव करने के लिए भारत को ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है भारत को $100 मिलियन का लोन, $100 मिलियन होता है $670 करोड़ रुपए, $1 मिलियन होता है $6.7 करोड़ रुपए, अगर डॉलर की वैल्यू 67 करोड़ रुपए मानी जाए तो। वर्ल्ड बैंक के 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जिम योंग किम, दक्षिण कोरिया के हैं, और दूसरी है वहां की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO, उनका नाम है क्रिस्टालीना, रट लीजिए दोनों नाम, तो एक तो जिम योंग किम और दूसरी है क्रिस्टालीना जॉर्जीएवा, ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। क्रिस्टालीना वहां की CEO हैं और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट या हेड हैं जिम योंग किम। वर्ल्ड बैंक ये लोन दे रहा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आप जानते हैं अभी अभी नई सरकार आई है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये 24 मार्च हर साल किसकी याद में मनाता है, कौन सा दिवस मनाता है? और ये मनाता है क्योंकि इस डिजीज का, ये जो रोग है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी किससे ये फैलता है वो बताया था सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में, तो उसको यादगार बनाने के लिए ये 24 मार्च मनाया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है भारत में, भारत की लगभग 70% जनता इससे प्रभावित हुई है और हो रही है, क्रॉनिक कैरियर है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हम मनाते हैं 24 मार्च को हर साल। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जहां पे पहला वर्टिकल गार्डन बना है? याद रखिए पूरी दुनिया में पहला वर्टिकल गार्डन बना चाइना के अंदर, अब भारत में भी बन रहे हैं। वर्टिकल गार्डन ये होते हैं कि आजकल जो उद्यान है, जो गार्डन है, उन्हें बनाने के लिए स्पेस उतना नहीं है, तो हम वर्टिकल गार्डन बनाते हैं यानी जो इस तरह के गार्डन होते हैं इनमें लगातार पानी चलता रहता है और जो ये पौधे हैं इनको पानी रोज अपने आप मिलता रहता है, ये ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, इनकी सिंचाई होती रहती है। ये बेंगलोर के अंदर बना है होसुर रोड के ऊपर, इसे बनाया है एक NGO जिसका नाम है से ट्रीज ने, और ये बना है बेंगलुरु के अंदर। इनमें से कौन सा ऑफिस है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का? याद रखिए भारत में टोटल 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिस हैं। ओम्बड्समैन होता है जो आपकी शिकायतें सुनता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आपको इंश्योरेंस विभाग से रिलेटेड कोई शिकायत है तो ओम्बड्समैन को बता सकते हैं और ओम्बड्समैन उस पर कार्रवाई करेगा। तो इनमें से 17 ऑफिस में से कौन सा ऑफिस है जो ISO सर्टिफिकेशन जिसे मिल गया है, ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है अभी अभी दिल्ली के ऑफिस को? और जो साइंटिस्ट हैं, इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नकली सूरज बनाया है जिसको बोलते हैं सिन लाइट एक्सपेरिमेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा नकली सूरज है और इसको इन्होंने जलाने की कोशिश की, चासने की कोशिश की एक लाइट की तरह, जिससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाया जा सके, ईंधन का काम करे, ये किया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने। और जर्मनी की जो चांसलर है वो है एंजेला मर्कल, जर्मनी की राजधानी आप जानते ही हैं बर्लिन। मशहूर पद्मश्री जीत चुके वो कौन से पत्रकार हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा 6th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड नई दिल्ली के अंदर हुए थे, पद्मश्री इन्हें मिला था 1972 के अंदर, और बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर भी हैं ये और जर्नलिस्ट भी हैं, इसलिए इनको फोटो जर्नलिस्ट बोलते हैं, इनका नाम है रघु राय। और हमारे जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं वो हैं इस वक्त वेंकैया नायडू, और इसी डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2004 के अंदर एथेंस ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर। इनमें से कौन सी भारत की लेडी हैं, महिला हैं, जो दुनिया के 30 सबसे ग्रेटेस्ट लीडर फॉर्च्यून मैगजीन ने उनका नाम दिया है। याद रखिए, दुनिया के 30 सबसे ताकतवर लीडर, उनमें एक ही भारतीय हैं और वो भी महिला हैं। इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, जो इसमें 26वें नंबर पर हैं और SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन है। और टॉप थ्री जो हैं वो हैं थियो एप्सटीन, जो बेसबॉल शिकागो कब्स के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे नंबर पे जैक मा, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन। और तीसरे नंबर पे हैं पॉप फ्रांसिस, जो कैथोलिक पॉप हैं, सेंट बेसिलिया चर्च वेटिकन में बैठते हैं। पॉप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं ये, और पहले दक्षिण अमेरिका के पहले पॉप हैं ये, जो किसी भी दक्षिण अमेरिका के देश के पहले पॉप बने हैं, पॉप फ्रांसिस। इनमें से किस व्यक्ति को कैथोलियन सीरियन बैंक का चेयरमैन बनाया है पार्ट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? कैथोलिक सीरियन बैंक, ये एक केरल का बैंक है और केरल का काफ़ी बड़ा बैंक है ये। इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर के अंदर। इसका जो नया चेयरमैन बनाया है वो बनाया है टी एस अनंत रमन। और इस बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं आनंद कृष्ण मूर्ति। मशहूर तमिल राइटर और साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके अशोक मित्रन, इनका अभी अभी निधन हो गया। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था त्यागराजन। याद रखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं के लिए मिलता है, जिनमें 22 तो हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज है, साथ में राजस्थानी है और इंग्लिश है। राजस्थानी और इंग्लिश दो भाषाएं जो स्केड्यूल्ड नहीं है, और इसके अलावा 22 जो हमारी ऑफिशियल भाषाएं हैं, तो टोटल हो गई 24। इनके लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 250 मेगावाट क्षमता का बोनगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन अभी अभी बनाया है, कमीशन किया है। कहां पर बनाया है ये? कहां पर है बोनगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन? ये है कोकराझार में। क्या आप बता सकते हैं कोकराझार कहां पे है? कोकराझार जिला है असम में, तो यहां पे लगाया है। और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड महारत्न कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अरुण सोबती। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो कृषि मंत्री हैं राधामोहन सिंह, उन्होंने अभी अभी एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च करी। 50 साल पूरे हो गए हैं। किस चीज के 50 साल पूरे हो गए हैं? तो भारत में जो सफेद क्रांति आई थी, दूध क्रांति, मिल्क रेवोल्यूशन, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और आप जानते हैं अमूल भी उसी का एक प्रोडक्ट था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन फ्लड, ये सब वर्ड याद रखिए, वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, तो इसकी क्रांति को 50 साल पूरे हो गए। कितने भारतीय मूल के अमरीकी हैं जिन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जो इमिग्रेंट्स को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर 2017? और वैसे तो ये भारतीय टोटल हैं 6, लेकिन आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो है इंदिरा नुई। इंदिरा नुई पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं, ये भी उन 6 भारतीयों में शामिल हैं, भारतीय मूल के अमरीकी व्यक्ति। अभी अभी 23वां कॉन्फ्रेंस हुआ ऑडिटर जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री एंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का। कहां पर ये हुआ? कॉमनवेल्थ के अंदर 52 देश आते हैं टोटल अभी, और इसका जो ये 23वां कॉन्फ्रेंस हुआ ये नई दिल्ली के अंदर हुआ, और भारत में पहली बार होस्ट हुआ ये। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उड़ीसा से आते हैं ये। और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मतलब होता है जो आपकी शिकायतें सुनता है, आपकी शिकायतों का निवारण करता है, तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने किया है, और इसका नाम रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ई सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक नया मोबाइल ऐप निकाला है? ये एक सोशल प्रोफाइल बेस्ड पर्सनल लोन मोबाइल ऐप है। इसका नाम रखा है माई लोन नाम का ये ऐप निकाला है टाटा कैपिटल ने। बस ये आप सीधा याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम है भारत में जिसका नवीनीकरण, आधुनिकरण किया जाएगा? इसमें काम चल रहा है, इसको बहुत वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा 48 करोड़ रुपए की लागत से। ये फीफा के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि भारत में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा इस साल। तो ये स्टेडियम है श्रीनगर में, इसका नाम है बख्शी स्टेडियम। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है, आप जानते हैं इसकी राजधानी है, और जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी PDP गठबंधन सरकार है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और BJP। अभी अभी एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो जनधन अकाउंट है उनको सबसे अच्छे से आधार कार्ड से लिंक कर दिया है? टोटल 87.73% यानी 87% से ज़्यादा इस राज्य के जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए इसे नंबर वन वो रैंक किया गया है, और ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है नंबर वन। टोटल याद रखिए 28 करोड़ जनधन अकाउंट खुल चुके हैं भारत में। तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, सबसे ज़्यादा आधार कार्ड से लिंक कराए। दूसरे नंबर पे है त्रिपुरा,
त्रिपुरा ने भी 87% किया लगभग, और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फर्क है, आंध्र प्रदेश से कट के बना था तेलंगाना नया राज्य, भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, अमरावती यहाँ की राजधानी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार है, चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है हैदराबाद। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मनी प्लांट रुपे इंटरनेशनल प्लैटिनम डेबिट कार्ड निकाला है अपने प्रीमियम और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, यानी वो कस्टमर, वो उपभोक्ता जो रिच हैं, अमीर हैं, उन जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, उनके लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करा है, प्लैटिनम डेबिट कार्ड ये निकाला है कर्नाटक बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में, और इसके जो CEO हैं वो हैं जयराम भट्ट, पी जयराम भट्ट ये हैं इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ग्लासगो एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है स्कॉटलैंड के अंदर, यूके के अंदर आता है स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, अगर आप इन तीनों को मिला दें इसको ब्रिटेन बोलते हैं, और अगर ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड भी मिला दें तो इसे फिर यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और ग्लासगो है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की है कार्डिफ और इंग्लैंड की लंदन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्किन बनाई है, और ये सौर ऊर्जा से चलेगी, और ये जो अपंग लोग हैं अगर इसे यूज़ करेंगे तो वो अपने लिम्ब्स को मूव कर पाएंगे, प्रोस्थेटिक लिम्ब्स को, नकली जो लिम्ब लगाए जाते हैं उनको मूव कर पाएंगे इसकी मदद से। और इसके अंदर एक भारतीय भी थे इस टीम के अंदर, ये हैं रविंदर धैया, ये रिसर्च फेलो हैं इस यूनिवर्सिटी में, और ये रिसर्च जो पब्लिश हुआ, ये पब्लिश हुआ एडवांस फंक्शनल मटेरियल नाम के जर्नल के अंदर। UN जनरल असेंबली 25 मार्च को मनाती है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, यानी जो गुलाम जो खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे अटलांटिक कंट्रीज में आज से 400 साल पहले, तो उनका जो योगदान है, खासकर अफ्रीका से गुलाम जो अमरीका और दूसरे देशों के अंदर भेजे जाते थे, बेचे जाते थे और उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, तो उनकी याद में 25 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाती है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। आपको बताना है कब ये शुरू किया था इन्होंने मनाना, पहली बार ये मनाया गया था 2007 के अंदर। एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, BSF। आप ये बताइए BSF के आज तक के 51 साल के इतिहास में, देखिए BSF बना था 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को बना था BSF, और BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BSF के जो डायरेक्टर जनरल है वो है KK शर्मा, यानी चीफ हेड KK शर्मा, और BSF का जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी लाइफ लॉन्ग ड्यूटी। तो BSF के 51 साल के इतिहास में पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर कौन कमीशन की गई हैं? कॉम्बैट ऑफिसर होता है जो लड़ाके होते हैं, जो जिनका काम होता है प्रॉपर कॉम्बैट करना, वॉरफेयर करना, और इनका नाम है तनुश्री पारीख। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिए हमारा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो हमारे खाद्यान्नों को स्टोर करने के लिए कुछ सिलोज बना रहा है। सिलोज होते हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें हम अपने खाद्यान्न भर सकते हैं जिससे वो सड़े ना, खराब ना हो। तो कितने क्षमता वाले ये सिलोज बनेंगे भारत में 2019-2020 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक, इनकी क्षमता होगी स्टोर करने की 10 मिलियन मेगाटन, 10 मिलियन MT फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की क्षमता होगी। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं योगेंद्र त्रिपाठी, और 1964 में बना था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय जल सेना ने अभी अभी एक बराक मिसाइल को, बराक मिसाइल बनी है इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाई है, हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है इसराइल, इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, इसराइल की राजधानी है जेरूसलम। तो इसराइल और भारत ने मिलकर बनाया है बराक 8 नाम का मिसाइल। तो हमने कौन से अपने जहाज से, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको हमने अपने कौन से जहाज से छोड़ा अभी अभी, इसको दागा गया INS विक्रमादित्य से, और हमारे जो नेवी चीफ हैं वो हैं सुनील लांबा। अभी अभी 2 दिवसीय मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसका थीम था मेक इन इंडिया द इनसाइड स्टोरी, कौन से विदेश में हुई, विदेश में कौन से शहर में हुई, अमरीका के अंदर हुई, ह्यूस्टन के अंदर। इनमें से कौन सा स्टेट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो, जिसकी अध्यक्षता अब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी MOEFCC करेगा। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट है, इसके और इस बोर्ड के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए थे जलीकट्टू खेल को लेकर, ये है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसीलिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अब अध्यक्षता करेगा MOEF का एक सीनियर ऑफिशियल, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसने हमारी जो नेवी है, हमारी जल सेना है, उसको ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या अभी दिया है उसे, और ये सब बनाया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने।
डीआरडीओ के जो चेयरमैन है या चीफ है वो है एस क्रिस्टोफर है चेयरमैन डीआरडीओ के, और हमारे रक्षा मंत्रालय ने नेवी को दिया है ऑल ऑफ द अबव, यानी उशुष्टु सबमरीन सोनार डायरेक्टिंग गियर फॉर हल माउंटेड सोनार अरे और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, तीनों ये हमारी नेवी को अब ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे और ये खुद मेड इन इंडिया भारत में स्वनिर्मित हमारा देसी प्रोडक्ट है, तीनों डीआरडीओ ने बनाए। और श्रीलंका ने जो तमिल लोगों के ऊपर अत्याचार किए तो उनसे उन पर सजा सुनाने के लिए जो लोग थे श्रीलंका उनके खिलाफ कार्रवाई करे, इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो रिफ्यूजीज के लिए, उन्होंने कितना समय दिया है श्रीलंका को, तो एक्सटेंशन दी है श्रीलंका को 2 साल के लिए, और ये लगभग 20 साल से ज़्यादा ये लड़ाई पिछली चली थी और इसमें LTTE की हार हुई थी, ये आपको याद रखना है, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम मई 2009 के अंदर ये कन्फ्लिक्ट समाप्त हुई थी, लेकिन इसमें बहुत सारे वॉर क्राइम हुए थे, अमानवीय अत्याचार, मानवाधिकारों का हनन हुआ था, इसलिए 2 साल का समय दिया है श्रीलंका को UNHRC ने। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ, ये हम मनाते हैं 25 मार्च को। ये बेसिकली ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और यूनाइटेड नेशन के जो इस वक्त चीफ हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब जो इंटरनेशनल डे हम मनाते हैं सॉलिडारिटी का, ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेक कोलेट, इन्हें अपहरण इनका कर लिया गया था और फिर इन्हें जान से मार दिया गया था, तो इनकी याद में और जो दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं जो अपनी सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको सम्मान देने के लिए मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी हर साल 25 मार्च को। तो ये मनाया गया था एलेक्स कोलेट की याद में, ये स्टार्ट किया गया था। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री वाईफाई सेवा प्रदान करेगी, ऐसा अनाउंस इन्होंने कर दिया है, और ये अनाउंस करा बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये किया बिहार की सरकार ने। बिहार में गठबंधन सरकार है, लालू की पार्टी RJD और नीतीश कुमार की JDU पार्टी की गठबंधन सरकार है, जिसे महागठबंधन कहा जाता था। याद रखिए बिहार दिवस मनाया गया। अब आपके लिए आज का 5वां सवाल, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 5वां अध्याय होस्ट कर रही है इंडियन साइंस कांग्रेस का, और इस बार इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड। इसको होस्ट किया है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ने, जो कि हैदराबाद के अंदर है, जो तेलंगाना की राजधानी है, और हमारे जो मिनिस्टर है मैं आपको बता चुका हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत का जो उड्डयन नागरिक उड्डयन विभाग है यानी सिविल एविएशन, वो अब कौन से नंबर पे पहुंच गया है, यानी हमारे देश में जो फ्लाइट उड़ती हैं विमान सेवाएं हैं वो कौन से नंबर पे आ गई हैं पूरी दुनिया में? पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान था, लेकिन अब हमने जापान को ओवरटेक कर लिया है और अब हम आ गए हैं तीसरे नंबर पे, यानी हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। तो हमने किस कंट्री को पीछे छोड़ा है, ये सवाल है, तो हमने जापान को पीछे छोड़ा है। जापान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हैं शिंजो आबे, जापान की करेंसी है येन और राजधानी है टोक्यो। अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने अनाउंस करा कि जो CBEC है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसका नाम पलट के अब क्या हो जाएगा, और इसके लिए लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिएगा, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिएगा, तो CBEC का नाम पलट के हो जाएगा CBIC, यानी CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। भारत के कौन से CEO हैं जो दुनिया के बेस्ट 30 CEO के अंदर आए हैं, और ये लिस्ट पब्लिश करी है, ये लिस्ट पब्लिश करी है अमेरिकन फाइनेंशियल मैगजीन बैरॉन्स ने। ये हैं HDFC बैंक के फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में लगातार इनका नाम शुमार होता रहा है। इनमें से कौन से राज्य का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कैपस्टोन, ये मनहिर को धरती में खोज के निकाल रहे थे, और इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा वजनी, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसका वजन कितना है, इसका जो वजन है टोटल 40 टन वजन का ये पत्थर है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 500 BC का है, यानी बहुत ही पुराना है, आप ऐसे याद रख लीजिए, जो मतलब नेट जीरो था उससे भी 500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट इसे कहते हैं, और ये तेलंगाना के अंदर खोजा गया है। तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है सिद्दीपेट, जहाँ पे खोजा गया है, और सिद्दीपेट का अगर और डीप पूछें गांव, तो गांव है नवरेटा गांव, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में ये पत्थर खोजा गया है, पुरातत्व विभाग ने खोजा है। 40 टन वजनी ये पत्थर है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो बहुत पुराने जो मानव हैं वो दफनाए जाते थे। 10वां अर्थ आवर कब मनाया गया? अर्थ आवर होता है जब हम एक घंटे के लिए अपनी सारी जो लाइट वगैरह है वो क्लोज कर देते हैं बिजली बचाने के लिए, अर्थ आवर हम मनाते हैं। इस बार मनाया गया 25 मार्च को, 7000 सिटीज़ ने मनाया, 172 कंट्रीज़ के अंदर 8:30 बजे रात से 9:30 बजे रात तक
एक घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दी गई। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF मनाता है अर्थ आवर। भारत के जो स्पेशल ओलंपिक्स जो हुए थे वर्ल्ड विंटर गेम अभी, उनमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये हुए ऑस्ट्रिया के ग्राज और श्राडमिंग शहर के अंदर। टोटल मेडल हमने जीते 73 और इसमें गोल्ड हैं 37 गोल्ड। तो दोनों याद रख लीजिए, टोटल भी और गोल्ड मेडल भी। उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाएगी, 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी, ये कहा उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने। श्रीकांत शर्मा मथुरा से अभी विधायक चुने गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। टोटल शहर हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है और गोरखपुर है, तो टोटल है 4। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कोल इंडिया लिमिटेड है उस पर कितनी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि ये कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे थे। कोल इंडिया लिमिटेड ने पेनल्टी लगाई, कोल इंडिया लिमिटेड जो महारत्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, उस पर पेनल्टी लगी है 591 करोड़ रुपए की। तो ये याद रखिए तथ्य है, कितनी पेनल्टी लगी है। और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है देवेंद्र कुमार सीकर, और जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसके CEO हैं सुतार्थ भट्टाचार्य। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फ्लिपकार्ट इनमें से कौन सी कंपनी खरीद रही है, ये बातें चल रही हैं, बहुत एडवांस स्टेजेस में है। इस कंपनी का नाम है ईबे इंडिया, इंडिया का बिजनेस खरीदेगी, पूरा नहीं, ईबे बहुत बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट कंपनी के जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, बिन्नी बंसल को हटा दिया गया था, उनके स्थान पर बनाया था कल्याण कृष्णमूर्ति को। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपना 46वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 मार्च को, ये बड़ा आसान सवाल है। 1971 का युद्ध याद है भारत पाकिस्तान का, तो ये देश है बांग्लादेश, इन्होंने मनाया अपना 46वां स्वतंत्रता दिवस। तो 1971 को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अभी अभी जन सुरक्षा एम्बुलेंस शुरू करी है, कौन से राज्य में, ये लेटेस्ट है, मोबाइल क्लिनिक सर्विस है ये, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। इनका नाम है जन सुरक्षा एम्बुलेंस, 2 राज्यों में ये लॉन्च की गई है, 30 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च की गई है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। इनमें से कौन से फॉर्मूला 1 गाड़ी चलाने वाले धावक हैं, रेसर हैं, फरारी गाड़ी चलाते हैं ये, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत ली, लुइस हैमिल्टन को हरा दिया, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। अगर आपको याद हो पिछले साल लुइस हैमिल्टन और निको रॉसबर्ग में कितनी जबरदस्त टक्कर हुई थी, निको रॉसबर्ग भी मर्सिडीज चलाते थे, निको रॉसबर्ग वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, पर निको रॉसबर्ग फिर रिटायर भी हो गए। तो ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर जिन्होंने फरारी गाड़ी चलाते हुए रेस जीती वो है सेबास्टियन वेटल। भारत का कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसे सबसे ऊंची रेटिंग मिली है AA+, और ये रेटिंग मिली है 94 स्मार्ट सिटीज और अमृत सिटीज के अंदर। अमृत होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे शहर है उनका नवीनीकरण आधुनिकरण किया जाएगा, उसके लिए अमृत स्कीम स्टार्ट की गई थी। और इन्होंने किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सबसे ऊंची रेटिंग दी है AA+, ये दी है इन तीनों को, दिल्ली, नवी मुंबई और पुणे को। हमारा जो जैविक ऊर्जा का विभाग है जिसे बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसे बार बार यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं जैविक ऊर्जा। तो ये भारत में जैविक ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अगले साल यानी नेक्स्ट फिस्कल 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितना पैसा खर्च करेगी। टोटल धन जो अलॉट किया गया है इसके लिए वो है लगभग 13,000 करोड़ रुपये, 13,000 करोड़ रुपीज। अभी अभी नया नोटिफिकेशन आया सरकार का, इसके हिसाब से आधार कार्ड किस चीज़ के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आधार कार्ड अब मोबाइल सेवाएं लेने के लिए मैंडेटरी हो गया है, मोबाइल फोन्स के लिए जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जो सरकारी एरोस्पेस कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कितने मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएगी, उनका उत्पादन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। टोटल हेलीकॉप्टर का नंबर है 1000 और टोटल जहाज यानी प्लेन्स बनाएगी 100। इसके अलावा 123 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाएगी, लड़ाकू विमान जिनको तेजस बोलते हैं वो भी बनाएगी। और जो HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो हैं टी सुवर्णा राजू। फोर्ब्स के हिसाब से दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनियर कौन बन गए हैं, और इनकी कंपनी का नाम है स्ट्राइप, STRIPE स्ट्राइप, और सिर्फ 26 साल के हैं ये। इनका नाम है जॉन कॉलिसन। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम कब हम मनाते हैं, 21 मार्च को, यहाँ लिख भी दिया लेकिन थीम पूछा है आपसे। डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से बहुत सारे शारीरिक और मानसिक अपंगता का सामना करना पड़ता है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स को, बच्चों में होता दिखने लग जाता है ऑलरेडी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी कम होती है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाते हैं डाउन सिंड्रोम डे।
और इस बार इसका थीम था वेरी इंपॉर्टेंट, माई वॉइस माई कम्युनिटी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने दो स्कीम स्टार्ट करी है, एक का नाम है ई वेटिंग और दूसरे का नाम है ई कस्टडी। ये स्टार्ट करी है कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल होती है उनके फास्ट रिप्लाई के लिए डिजिटल प्रोसेस किया गया है, हरियाणा ने स्टार्ट किए हैं दोनों, एक ई वेटिंग और दूसरा ई कस्टडी, और जो कस्टडी के सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन मिला करेंगे अब। इनमें से कौन से मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, व्यक्ति हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, इनके नाम पे एक जीवाश्म मिला है फॉसिल, कहा जाता है कि ये 430 मिलियन साल पुराना है, 43 करोड़ साल पुराना है लगभग, और ये मिला है जीवाश्म। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इनका नाम है डेविड एटनबरो, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनमें से कौन से राज्य की विधानसभा है जिसने एक बिल पास कराया, इस राज्य में 6 यूनिवर्सिटी बनेंगी नई, 2 सरकारी और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये बनाई जाएंगी गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से कौन सा हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है जो दिल्ली में दिल्ली दर्शन करवाएगी आपको, अपनी नई पर्यटनों को लुभाने के लिए स्कीम बनाई है, इसमें हेलीकॉप्टर में बिठा के आपको दिल्ली दर्शन करवाएगी, इस कंपनी का नाम है पवन हंस, और ये जो हेलीकॉप्टर है रोहिणी से उड़ेंगे, और जो पवन हंस का हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर है। 1985 में बनी थी ये कंपनी पवन हंस। कितना अमाउंट है जो अमेरिका की सरकार ने ऑथोराइज किया है 2018 फाइनेंशियल ईयर के लिए नासा के लिए, कहने का मतलब नासा मार्स यानी मंगल ग्रह पे ह्यूमन बींग्स को भेजना चाहती है, मानवों को भेजना चाहती है, इसके लिए कितना धन अलॉट किया इन्होंने, ये धन है 19.5 बिलियन डॉलर। $1 बिलियन होता है 6700 करोड़, तो ये जो धन है आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं रफली, आप 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको कितना है, 1,33,000 करोड़। और इसलिए नासा की बहुत बदनामी भी होती है, ऐसा कहा जाता है कि 1,33,000 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी जो गरीब लोग हैं उन पर खर्च किए जाने चाहिए बजाय इसके कि मंगल ग्रह पे भेजने के उन मिशंस के अंदर। अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा थिन जेल लाइक कोटिंग बनाई है जिससे जो लिथियम सल्फर बैटरी है वो ज्यादा स्टोरेज कर सकती है, ये रिसर्च किया है येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, येल यूनिवर्सिटी। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब जो हमारी जो स्केड्यूल्ड प्रजातियां हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जातियां जिन्हें कहते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब, तो 5 एडिशनल सीट इनके लिए होंगी विधानसभा में कौन से राज्य के, ये कहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने। ये राज्य है सिक्किम, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम याद रखिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं आता है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चेमलिंग। एम्स के नए डायरेक्टर कौन बने, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी मेडिसिन के लेजेंडरी डॉक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नाम याद रखिए रणदीप गुलेरिया, इससे पहले थे एमसी मिश्रा, अब है रणदीप गुलेरिया। 2 दिवसीय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ पर्यावरण के ऊपर 2017, कहां पर यह हुआ और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसे आयोजित किया, ये हुआ अभी अभी नई दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। भारत की जो जल सेना है वो इनमें से कौन सा पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है वो लड़ाकू विमान जो समुद्र के ऊपर नजर रखता है लॉन्ग रेंज, इसको डी इंडक्ट कर रहा है, डी इंडक्ट मतलब इसको रिटायर कर रहा है, 29 साल से यह सेवा प्रदान कर रहा है और इसका नाम है टूपोलेव 2142, रशिया की मदद से हमने बनाया था, जैसे रशिया से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जैसे सुखोई टूपोलेव इत्यादि। इनमें से सिख रतन का सम्मान किस भारतीय को मिला है ब्रिटिश सिख एसोसिएशन द्वारा, यह है गुरिंदर चड्ढा। गुरिंदर चड्ढा अगर आपने पिक्चर देखी है बैंडिट लाइक बैकम, उसकी डायरेक्टर है, बहुत सारी फिल्में बनाई है उन्होंने, बैंडिट लाइक बैकम जैसे फिल्म है, गुरिंदर चड्ढा को मिला सिख रतन का सम्मान, सिख जूल अवार्ड 2017। और अगला सवाल है, इनमें से कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ा गया है अभी अभी जिससे नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बनाया जाएगा, एक नया कमीशन बनाया जाएगा जो शैक्षिक और सामाजिक तौर पर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, और हमारी केंद्र सरकार ने भी मंजूर कर दिया है, इस आर्टिकल का नाम है 338B। द एक्सपेंडेड ऑल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम जिसको बोलते हैं विकल्प स्कीम, ये है कि अगर आपने किसी ट्रेन में टिकट करवाई हो तो आप राजधानी और शताब्दी से भी आप जा सकते हैं, आपको एक विकल्प प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये जो स्कीम है इस पे रेलवे लगभग 7500 करोड़ रुपए एक तरह से कस्टमर्स को रिफंड में खर्च करेगी, और विकल्प स्कीम जो है ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कहा है कि इनमें से जैविक ऊर्जा पे काम करने वाले 2 विभाग हैं, इनको तुरंत खत्म कर दिया जाए, ये 2 विभाग कौन से हैं, फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी नहीं है, नाम याद रख लीजिए,
एक है CHBL और दूसरा है ICBL, इनको खत्म कर दिया जाएगा तुरंत। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इस पे 477 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जो गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं, कौन से परिवार हैं जिन्हें फ्री असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे, तो ये दिया जाएगा बूढ़े व्यक्तियों को, सीनियर सिटीजन को। याद रखिए, सीनियर सिटीजन को इसमें जैसे बैसाखी है या सुनने की मशीन है या चश्मा है, इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी जिससे उनका जीवन सुखी हो सके। इनमें से कौन सी कंपनी है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना रही है अपने, दो, एक बनेगा कोयम्बटूर में, दूसरा बनेगा ओंगोल में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, आपके लिए आज का छठा सवाल, ओंगोल कहां पर है, कौन से राज्य के अंदर ये जगह है जिसको बोलते हैं ओंगोल, तो ये कंपनी है हटसन एग्रो। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से जो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका समुद्री जो स्तर है, सी लेवल, वो बढ़ गया है पिछले साल से, बढ़ गया है लगभग आप कह सकते हैं 38 मिलीमीटर बढ़ गया है, और बहुत डेंजरस हो गया है ये। ये कंट्री है चीन, चाइना। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, और चाइना की मुद्रा है युआन या रेनमिनबी, और कैपिटल है बीजिंग। इनमें से हांगकांग की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी है, हांगकांग की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव, हांगकांग चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, और इनका नाम है कैरी लाम, कैरी लाम। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, उनसे रिलेटेड जो वीडियो हैं, ये सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, इसके लिए कमेटी बनाई है। उसको कितना टाइम दिया है कि वो इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाले कि यौन उत्पीड़न से जो संबंधित जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए, और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में सारे जो बड़े बड़े सोशल मीडिया की कंपनियां वो सारे हैं, फेसबुक है, गूगल है, ये सब है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम दिया है वो है 15 दिन का, 15 डेज। सरकार ने कहा है कि इनमें से इतने ट्राइब्यूनल तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे, उनको वाइंड अप कर दिया जाएगा, और ये जो सारे ट्राइब्यूनल हैं ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए थे, यानी जो कोई झगड़ा हो जाता है उसके निवारण के लिए बनाए गए थे। तो टोटल ट्राइब्यूनल जो रद्द किए जाएंगे इनका नंबर है 8। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इनमें से जो वेदांता कंपनी है वो मर्ज हो रही है अपनी ही एक सब्सिडरी के साथ, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो कौन सी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, वेदांता। वेदांता कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं अनिल अग्रवाल, और इस कंपनी के जो इस वक्त CEO हैं वो हैं टॉम अल्बानिस। टॉम अल्बानिस, इस कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में, और ये कंपनी है कैन इंडिया। इनमें से कौन सा मंत्रालय है भारत का जिसने अभी अभी एक गाइडलाइंस इशू करी है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसके तहत कुछ प्रोविजन, कुछ एडवाइजरी इशू करी है, ये किया है हमारे हमारा जो होम अफेयर डिपार्टमेंट है, और हमारा होम अफेयर हमारे होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। केरल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, इससे पहले पटना हाईकोर्ट में जज थे ये, इनका नाम है नवनीति प्रसाद सिंह। इंडियन सोर्सिंग फेयर 2017, इसे ऑर्गेनाइज करा इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आपको बताना है कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये ऑर्गेनाइज किया गया कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर है कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। इनमें से कौन से फिल्म एक्टर हैं जिन्हें कला रत्न अवार्ड मिला हमारे उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी जी से, कला रत्न अवार्ड मिला है अपने सिनेमा में योगदान के लिए अनुपम खेर जी को। भारत के कौन से दिव्यांग शटलर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, सिंगल में भी और डबल में भी, जो स्पेन के मलोर्का यानी मजोर्का जिसे बोलते हैं उस शहर के अंदर ये आयोजित की गई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, और इनका नाम है सुकांत कदम। और आज का आखिरी सवाल, HIV एड्स बिल, ये अभी अभी पास हुआ है, और इसमें जो HIV पेशेंट हैं उनसे समान व्यवहार किया जाएगा एजुकेशन में, जॉब में। ये बिल सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा। और इस बिल में एक बात और कही गई है, कोई भी व्यक्ति जिसे एड्स है उसकी फ्री ट्रीटमेंट करवाई जाएगी। तो ये थे इस पिछले 5 दिनों के, यानी 22 मार्च से 27 मार्च तक के करंट अफेयर। टोटल करंट अफेयर का नंबर था 120। हिंदी भाषा में मैं आप तक ये लेकर आया। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।